हेलो, ऑल आर वेलकम इन केमिस्ट्री परिवार। और भाई आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्यों कौन सा भाई, कॉपर प्रोटीन। कॉपर प्रोटीन क्या होता है? कॉपर प्रोटीन के अंदर भी आपको लग ही रहा होगा कि कॉपर तो रहेगा ही, बिल्कुल रहेगा कॉपर। कॉपर मेटल यहाँ पर होगी और उसके बाद क्या भाई, प्रोटीन चेन भी होगी। तो यहाँ पर क्या रहेगा भाई, कलेक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स। आप क्या बोल सकते हैं इसको, कलेक्शन ऑफ अमीनो एसिड। तो कलेक्शन ऑफ अमीनो एसिड को दोस्तों क्या बोलेंगे हम, प्रोटीन बोल देंगे। तो यहां पर ये दो टाइप की रहेगी, दीज आर टू टाइप। फर्स्ट वन इज प्लास्टोसाइनिन, एंड सेकेंड वन इज एजुरीन। क्या भाई, एजुरीन। इनका काम क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और ये भी क्या करता है भाई दोस्तों, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही करेगा। ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर ये कहां पर कर रहा होगा भाई, ये करेगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। लेकिन यहां पर क्या करेगा, ये भी फोटोसिंथेसिस में ही करेगा, लेकिन किसके अंदर भाई, बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया, बोलो भाई, बैक्टीरिया। आ रही है बात समझ में? तो ये किसके अंदर करता है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर करता है फोटोसिंथेसिस में। और ये किसके अंदर करता है भाई, एजुरीन। किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर करता है। बताइए, देखेंगे बारी बारी से। फर्स्ट वन हेडिंग लगा लेंगे, प्लास्टोसाइनिन। फर्स्ट वन लगाएंगे प्लास्टो साइनिन। प्लास्टोसाइनिन का काम तो हमने जैसे देख ही लिया है। एक्टिव साइट यहां पर, एक्टिव साइट क्या रहेगी भाई, यहां पर कॉपर रहेगा। कॉपर वन के अंदर भी रह सकता है आपको पता है, और टू ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी हो सकता है। बताइए, ये एक्टिव साइट हो गई। फंक्शन इसका क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एन फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट। किसके अंदर भाई, ग्रीन प्लांट के अंदर करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर भाई वही बात है कि स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या रहेगा, यहां पर, कॉपर। और कॉपर किससे कनेक्टेड है भाई, एस मिथियोनिन से। और यहां पर क्या हो जाएगा भाई, एस सिस्टीन से। और यहां पर क्या हो जाएगा, एन हिस्टेडिन से कनेक्ट है। और यहां पर किससे कनेक्ट है दोस्तों, एन हिस्टेडिन से ही कनेक्ट है। बताइए, और यहां पर कॉपर किसमें है भाई, वन में है। अगर मैं क्या बोलूं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लूज कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो किसके अंदर चला जाएगा, कॉपर टू पॉजिटिव में। बोलो भाई, यहां पर भी एस मिथ्योनिन, यहां पर क्या भाई, यहां पर एस सिस्टेन। और यहां पर भी क्या है, एन हेस्टेडिन। और यहां पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, एन हिस्टेडिन हो जाएगा। बताइए भाई, अब अगर आप ये बोले कि सर यहां पर ना कॉपर वन में है ये, लेकिन मैं तो क्या कराऊंगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन खिलाऊंगा। बोलो, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन खा लेगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर जीरो में। किसमें, कॉपर जीरो। और कॉपर जीरो में होते ही आपको पता है कि कॉपर जीरो में जाते ही ये क्या करेगा भाई, ये क्या हो गया, इनएक्टिव। ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, इनएक्टिव हो गया ये तो। अब क्या करेगा भाई, कॉपर जीरो में चला गया।
अब को ऊपर जीरो में चला गया तो ये तो कोई अब एक्टिविटी दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो क्या हो गया है मोस्ट स्टेबल, तो ये रिएक्शन क्या होगी फिजिबल ही नहीं होती। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या हो गया कॉपर वन से किस में जाएगा, कॉपर टू के अंदर जाता है। डन हो गई इतनी बात। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाई इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। अब मैं क्या देखूंगा भाई प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज भाई कि जो आपका किसके फॉर्म में भाई ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में बोल सकते हो या एंड रिड्यूस फॉर्म में। तो प्रॉपर्टीज इन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस फॉर्म, ये रिड्यूस के अंदर है, ये ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज बोले तो टू पॉजिटिव, ठीक है, या आप बोल सकते हो यहां पर कॉपर किस में हो जाएगा भाई, अगर हमने वन लिया था तो अब भी यहां पर हम क्या ले लेंगे, वन ले लेंगे, तो ये इसको क्या बोल देंगे हम रिड्यूस फॉर्म, रिड्यूस हो गया, ये क्या हो गया ऑक्सीडाइज्ड। बताइए तो प्रॉपर्टीज देख रहे हैं भाई रिड्यूस फॉर्म एंड ऑक्सीडाइज फॉर्म में। तो यहां पर रिड्यूस फॉर्म के अंदर क्या आ जाएगा भाई, रिड्यूस फॉर्म के अंदर जो आपका कॉपर रहेगा बताइए कितने के अंदर रहता है, रिड्यूस फॉर्म में और ऑक्सीडाइज फॉर्म में, ऑक्सीडाइज फॉर्म में कितने में रहेगा टू पॉजिटिव में, और रिड्यूस फॉर्म में कितने में रहेगा वन के अंदर। तो कॉपर वन है तो क्या हो जाएगा भाई डी नाइन, क्या हो जाएगा डी नाइन, अब डी नाइन है और क्या बना रहा है ये टेट्राहेड्रल ही बना रहा होगा क्योंकि टेट्राहेड्रल ही मोइटी। कॉपर कॉपर एस मिथियोनिन, एस मिथियोनिन है, फिर यहां पर क्या आ रहा है भाई एस आपका क्या आ रहा है भाई सिस्टीन, उसके बाद एन हिस्टडीन आ रहा है और फिर भी क्या आ रहा है एन हिस्टडीन। बताइए भाई तो ये आपका क्या हो गया स्ट्रक्चर हो गया सिंपल, ये आपका स्ट्रक्चर। अब अगर ये स्ट्रक्चर है तो यहां पर क्या है भाई कॉपर, ये तो कितने में हो गया भाई क्या है इसके अंदर मोइटी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी तो डी नाइन, अब डी नाइन सिस्टम तो हो गया। अब डी नाइन सिस्टम होते ही आपको ये नजरिया आ गया होगा समझ में कि अगर डी नाइन सिस्टम है ये तो इसके अंदर टी टू जी जी होंगे, क्या होंगे टी टू जी जी, या आप सिंपल भर सकते हो। तो आपने बोला कि इस तरीके से हमने भर दिए, टी ई नीचे या देन टी टू ऊपर, वन टू थ्री फोर कॉपर वन है, सॉरी 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 डी टेन सिस्टम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, सारा का सारा क्या है फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड है तो यहां पर क्या आ जाएगा नो डी डी ट्रांजिशन, नो डी डी ट्रांजिशन, और यहां पर कोई डी डी ट्रांजिशन भी नहीं होगी, और अगर कोई डी डी ट्रांजिशन नहीं है ना तो कोई यहां पर चार्ज आएगा, तो ये क्या हो जाएगा कलर लेस, क्या हो जाएगा कलर लेस हो जाएगा। और आप बोल सकते हो क्या है भाई डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सिस्टम भी है ये, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई ईएसआर इनएक्टिव, क्या हो जाएगा ईएसआर इनएक्टिव, तो ईएसआर इनएक्टिव भी हो गया। अगर मैं कॉपर टू की बात करना चाहूंगा, फोकस करेंगे कॉपर टू पे, कॉपर टू होते ही क्या हो गया डी नाइन सिस्टम, डी नाइन सिस्टम हो गया तो आपने पढ़ा ही होगा कि अगर D9 सिस्टम है ये और D9 हाई स्पिन ही बनेगा, क्या बनेगा D9 हाई स्पिन, क्योंकि यहां पर ना तो हाई स्पिन होगा ना ही लो स्पिन, ये तो क्या नॉर्मल केस हो गया, क्योंकि D1 से या D4 से D7 ही क्या होता है हाई लो, हाई स्पिन लो स्पिन, ये हम किसके अंदर पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे भाई कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो यहां पर D9 सिस्टम, D9 सिस्टम होते ही ये क्या हो जाएगा भाई यहां पर डी डी ट्रांजिशन भी हो सकती है, या आप बोल सकते हो यहां पर क्या होगी लिगेंड टू, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। अगर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है दोस्तों, और कौन सा लिगेंड, अब लिगेंड भी आप बोलेंगे सर चार लिगेंड है बताइए कौन सा वाला, तो यहां पर किसके अंदर होगा भाई जो आपका कौन सा है भाई S16, कौन से वाले से S जो आपका कौन सा है 16 का है, उससे ही क्या होगा
यहां पर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा। अब क्वेश्चन उठेगा कि इसी से क्यों नहीं भाई। अब आप मेरे को यह बताएं कि यहां पर आपके पास दो टाइप के लिगेंड है, एक तो एन दे रहा है और एक क्या दे रहा है, एस। बहुत बढ़िया। अब हिस्टिडीन में तो एन देगा, लेकिन मिथियोनिन में भी एस दे रहा है और आपका सिस्टीन में भी एस अपना लोन पेयर दे रहा होगा। तो मेरे को यह बताइए कि कौन सा अच्छा देगा इन दोनों में। तो सल्फर देगा, बोलो भाई। तो सल्फर अच्छा देगा, तो सल्फर अच्छा देगा, तो यहां पर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कौन करेगा, सल्फर करेगा। ये तो इतनी बात तो क्या हो गई, क्लियर। लेकिन अब सल्फर भी दो टाइप के, एक तो अपना मिथियोनिन वाला और एक अपना कौन सा भाई, सिस्टीन वाला। तो अगर मिथियोनिन में अगर आप देखें, और किसके अंदर देखें, एक बार मिथियोनिन में देख लें, मिथियोनिन के अंदर इस तरीके का सल्फर रहता है। बोलो भाई ये कौन सा मिथियोनिन वाला सल्फर है, ये क्या मिथियोनिन वाला सल्फर। और अगर आप देखना चाहें कौन सा SH, ये अपना कौन सा वाला हो गया, सिस्टीन वाला। तो आप मेरे को ये बताएं कि कौन सा अच्छा दे सकेगा, तो ये क्या देगा अच्छा, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस भी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। बोलो भाई, तो यहां पर क्या है ये इजीली दे सकता है। दूसरा फैक्टर क्या है, SH बॉन्ड है, यहां पर क्या है SC बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां पे ज्यादा होगा, SH बॉन्ड में ज्यादा होगा। तो ये क्या दे पाएगा भाई, बेटर इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। बोलो भाई, तो S16 क्या करता है भाई, S16 के थ्रू यहां पर क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा। उसकी वजह से ये सिस्टम क्या आ जाएगा, कलर्ड, क्या आ जाएगा कलर्ड। तो ये वाला जो D9 सिस्टम है ये क्या हो जाएगा कलर्ड, ये कौन सा कलर आता है इसके अंदर, ब्लू कलर आता है। तो हमने बोल दिया इसको क्या बोला जाता है, ब्लू कॉपर प्रोटीन भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ब्लू कॉपर प्रोटीन। तो इस वाले CU2 पॉजिटिव जो अपना है इसको क्या बोलते हैं, कौन सा कलर आएगा भाई, ब्लू कलर आएगा। लिखेंगे क्या आएगा, ब्लू कलर ट्रांसफर। यहां पे क्या आ जाएगा भाई, ब्लू कलर, क्या आ जाएगा ब्लू कलर। अगर यहां पर दोस्तों ब्लू कलर आ रहा है आपका, तो यहां पर ब्लू कलर आ गया तो इसको ब्लू कलर प्रोटीन भी बोल देते हैं। नहीं, यहां पर क्या हो गया, अब ये अपनी ब्लू कलर दिखती है ड्यू टू LMCT। डन, इतनी बात आ रही है लोगों को समझ में, बताइए। ESR EPR एक्टिव है इनएक्टिव है, तो बिल्कुल ESR क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने 9 इलेक्ट्रॉन भरे इसमें तो ये क्या बचेगा, अनपेयर्ड, वो तो बचेगा ही बचेगा, तो क्या हो जाएगा ESR भी एक्टिव होगा। किस तरीके से ESR एक्टिव होगा देख ले, अगर मैं बोलू ESR एक्टिव, और ESR एक्टिव में भी क्या अपना D9 सिस्टम आपको पता है 1 2 3 4 5, क्योंकि टेट्राहेड्रल बन रहा होगा, तो क्या आ जाएगा भाई E नीचे T2 ऊपर, तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताइए, इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर ये क्या है भाई, अनपेड बचेगा ही बचेगा इस सिस्टम में, तो ये पूरे की स्पिन क्या आ जाएगी, नॉन जीरो आते ही क्या क्या बन जाएगा सिस्टम, D9 जो मेरा सिस्टम है यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव, वो क्या आ जाएगा पैरामैग्नेटिक। अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो क्या हो जाएगा, ESR एक्टिव हो जाएगा। डन। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं आपको बोलूं कि कॉपर 1 है, किसमें है, कॉपर 1 में, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात नोट लगा के लगाएंगे, अभी नोट लगा लें, नोट लगा के बाद लिखें, अगर आपके पास कॉपर किसमें है, कॉपर 1 में प्लस 2 साइन इनमें, और कॉपर किसमें जा रहा है भाई, अब ये इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया लूज, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर किसमें जा रहा है कॉपर 2 में, तो यहां पर जो बनेगा, यहां पर तो क्या बन रहा होगा रेगुलर टेट्राहेड्रल बन रहा होगा, लेकिन यहां पर क्या बनेगा डिस्टोर्टेड, यहां पर क्या बन जाएगा डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। बताइए क्यों, क्योंकि यहां पर भी क्या हो रहा होगा जॉन टेलर डिस्टोर्शन, क्या हो रहा होगा जॉन टेलर डिस्टोर्शन। बताइए, हमने बताया था जब भी T2G और EG या T2E अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो, क्या कंडीशन क्या बताई थी मैंने, कंडीशन बताई थी JTD की, कि JTD वहां होगा जहां पर क्या हो भाई
T2 या और E या T2G और E जी, क्या हो जाए? अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो जाए, अनसिमेट्रिकली, क्या हो जाए? अनसिमेट्रिकली फिल्ड। क्या हो जाए? अनसिमेट्रिकली फील्ड हो जाए। अगर जैसे अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा तो क्या देगा? जॉन टेलर डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। एक बार यही क्वेश्चन पूछ लिया था, पता ही आ रहा है समझ में, ये आया था जैम में। ठीक है भाई, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहां पर सारी बातें। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे और अभी अगले टॉपिक भी बात करते हैं। किस पे भाई? एजुरीन पे, जो इसी का क्या है, भाई है। एजुरीन दूसरी क्या है भाई? आपकी कॉपर प्रोटीन है, और कॉपर प्रोटीन हमने बताया इसका काम भी क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर ही करेगी। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर भी कहां करती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, इन अ बैक्टीरिया, इन अ बैक्टीरिया के अंदर। तो इसका काम भी क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। लेकिन यहां के इसके अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर रहता है कॉपर, जो रहता है वो क्या बना रहता है? बना रहता है भाई टीबीपी स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा? टीबीपी। तो टीबीपी बनाएगा ये, और यहां पर क्या रहेगा? एनहिस्टिडीन। और यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका? एनहिस्टिडीन हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाता है दोस्तों? S16, S16। और यहां पर क्या होगा? S16 के बाद S, यहां पर मिथियोनिन, मिथियोनिन हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाता है? O, यहां पर ग्लाइसिन। बताइए, डन हो गई इतनी बात? तो ये क्या रहता है भाई? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बन गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इस तरीके से। ठीक है, बाई पिरामिडल, एक ट्राइगोनल तो इस तरीके से बन रहा होगा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बन रहा होगा, और एक ऊपर और एक नीचे। बात समझ में आ रही? ऊपर नीचे कौन सा है? ओ ग्लाइसिनेट ऊपर, और नीचे कौन सा है भाई आपका? एस मिथियोनिन वाला। डन। तो ये क्या रहता है टीबीपी के अंदर? किसके अंदर रहेगा? टीबीपी। फाइव कोऑर्डिनेशन यहां पर, फाइव कोऑर्डिनेशन के अंदर है कौन अपना? फाइव कोऑर्डिनेटेड। यहां पर कॉपर, कॉपर मान लीजिए वन में है, किसमें है? वन में। अगर मान लीजिए इसने क्या लिया है? कॉपर टू में कन्वर्ट हो गया ये, कॉपर टू में। अब कॉपर टू में कन्वर्ट होते ही कॉपर वन के अंदर क्या? वही सेम बात, कॉपर वन के अंदर जो बात थी और कॉपर टू के अंदर बात थी, वो सारी की सारी क्या रहती है भाई? प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। क्या रहेंगी? सेम प्रॉपर्टीज लिख लेंगे, सेम प्रॉपर्टीज। ठीक है, वही एक्टिविटी की बात हमने करी ली है, ईएसआर एक्टिविटी भी, और वो भी सारी बातें आप एक्सप्लेन कर लेंगे। पर आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता कहाँ? फोटो सिंथेसिस, ना, बैक्टीरिया के अंदर। डन है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाई विटामिन B12, और विटामिन B12 के ऊपर चांद तारे लगा लेंगे जो भी लगाना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन इन्हें डेप्थ भी आया हुआ। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं भाई विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12 आप लिख सकते हो मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर, और चांद तारे भी आप लगा सकते हो इसके, ना, क्योंकि भाई इंपोर्टेंट है, तीन चार बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं विटामिन B12 का। विटामिन B12 के अंदर दोस्तों क्या होता है? कोरीन रिंग होती है अपनी। कौन सी रिंग होती है? कोरीन रिंग। अब कोरीन रिंग के अंदर क्या रहेगा भाई, वो देखें किस तरीके की रिंग दिखती है। तो यहां पर आप क्या बना लेंगे पहले? इस तरीके से फाइव मेंबर्ड, यहां पर भी फाइव मेंबर्ड रिंग, इस तरीके से नीचे एंड साइड। ये आपकी वैसी ही है जैसी पोरफायरिन थी, लेकिन इसके अंदर स्लाइड चेंजमेंट आएगा, देखें कैसे। यहां पर कनेक्टिविटी सीधी रहती है, यहां पर एक कार्बन, यहां पर इस तरीके से, और यहां पर भी इस तरीके से होगा।
डन। यहां पर आप क्या लगाएंगे, डबल सिंगल देन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डन सिंगल देन डबल हो गया। तो ये कोरिन रिंग आपकी कितने कंटेन कर रही होगी, इट कंटेन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिख रहे होंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड है यहां पर। इसके बाद यहां पर आपको देखा गया कि यहां पर भाई कोबाल्ट, यहां पर मेटल है और ये इस तरीके से बाउंडेड होगा, ठीक है। और ये तो क्या हो गया आपका, एक प्लेन हो गया ये वाला, और एक इसके क्या है ऊपर है और एक इसके नीचे है। तो ऊपर वाला एक मान लीजिए आर ग्रुप और एक इसके नीचे ग्रुप है। नीचे ग्रुप कौन सा रहेगा भैया, आपका आइमिडाजोल रहता है, क्या रहता है आइमिडा मिडाजोल, आइमिडाजोल रहेगा यहां पर एन इस तरीके से यहां पर, और एन यहां पर हो गया देन इस तरीके से, ये अपनी बेंजीन रिंग। यहां पर क्या हो जाता है भाई, डबल बॉन्ड 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर आर ग्रुप आप चेंज करते हो तो आपके पास अलग अलग स्ट्रक्चर हो जाते हैं। जैसे अगर मेरा आर ग्रुप क्या है, साइनाइड है, CN-, तो मेरा क्या बन जाएगा भाई, इसको बोला जाता है साइनो साइनो कोबालमीन, साइनो कोबालमीन बोला जाता है, साइनो कोबालमीन बोले तो। और सिंपल अगर ये हो जाता है तो साइनो, इसको क्या बोल दिया जाता है भाई, विटामिन B12, क्या बोल दिया जाता है, विटामिन B12। डन हो गई इतनी बात। दूसरी अगर मान लीजिए मैंने आर क्या ले लिया आपका, CH3 ले लिया, आर अगर CH3 लिया है तो ये क्या बन जाएगा भाई, मिथाइल कोबालमीन, मिथाइल कोबालमीन बन जाएगा। और अगर आपके पास सिंपल क्या है भाई, वाटर है, तो क्या बन जाता है भाई, इसको क्या बोला जाता है, कोबालमीन। और अगर 5 प्राइम पे आपके पास क्या हुआ, डीओक्सी एडिनो एडिनोसेल, ठीक है, तो आपके पास यहां पर इसको क्या कहलाएगी ये भाई, एडिनोसेल, या बोल सकते हो डीओक्सी एडिनोसाइल कोबालमीन। और इसी को क्या बोला जाता है भाई, इसी को बोला जाता है कोएंजाइम B12, ये अपना कोएंजाइम B12 हो गया, विटामिन B12 इसको बोलेंगे और कोएंजाइम B12 इसको बोलेंगे। यहां तक नोट करें। और यहां पर क्या होता है भाई, ये जो कोरिन रिंग है यहां पर कोबाल्ट अपना 3 पॉजिटिव में भी रहता है, 1 2 पॉजिटिव में भी और 1 पॉजिटिव में भी रहता है, डन। और यहां पर क्या होगी भाई, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन होगी, क्योंकि यहां पर क्या है भाई, कोरिन रिंग के पास क्या है, ये डबल बॉन्ड है और इनके बीच में क्या हो सकती है भाई, यूवी का अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा, वहां पर मेजरली कौन कौन सी लाइंस आती थी, पाई पाई स्टार आती है, एन पाई स्टार आती, तो पाई पाई स्टार यहां पर क्या आएगी, मेजर। अब पाई पाई स्टार आएगी मेजर, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, रेड कलर आता है, क्या आता है, रेड इन कलर आता है इसका, ड्यू टू पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, ड्यू टू पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। ये बातें नोट डाउन कर लें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसकी किसकी बात करेंगे भाई, ESR स्पेक्ट्रम की भी बात करेंगे, और इसकी देखेंगे रिड्यूस फॉर्म और डबल रिड्यूस फॉर्म। तो अगर दोस्तों हम देख रहे हैं रिड्यूस फॉर्म और डबल रिड्यूस, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 3 पॉजिटिव और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसको खिला दिया तो क्या बन जाएगा, 2 पॉजिटिव बन जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको और खिला दिया जाए तो क्या बन जाता है भाई, 1+ बन जाएगा, डन। इतनी बात समझ में आ रही है, ये आप देखें एक बार, यहां पर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, डी
सिक्स का केस क्या हो जाएगा, डी सिक्स, और सारे के सारे लो स्पिन थे, सारे के सारे लो स्पिन, ये भी क्या है लो स्पिन, ठीक है, ये फर्स्ट रिड्यूस फॉर्म है, ये क्या है सिंगल रिड्यूस फॉर्म, ऐसे बोल देते सिंगल रिड्यूस फॉर्म, तो एस से डिनोट कर दिया जाता है, ये अपने क्या है भाई सिंपल, ये इसके बाद सिंगल रिड्यूस फॉर्म, ये कौन सी हो गई आपकी डबल रिड्यूस फॉर्म, तो डी लिख देते हैं इसके नीचे कि क्या है डबल रिड्यूस है, ठीक है, तो एस आर भी लिख सकते हो सिंगल रिड्यूस, और डी आर, डी आर का क्या मतलब हो जाएगा डबल रिड्यूस फॉर्म है, ठीक है। तो अगर ये क्या हुआ डी सिक्स, डी सिक्स होगा तो आपको पता है डी सिक्स के अंदर क्या होगा लो स्पिन, लो स्पिन डी सिक्स में क्या हो जाएगा भाई इस तरीके से टी टू जी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, थोड़ा क्लियरली देख लें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, सारे के सारे नीचे ही फिल होंगे, सारे के सारे क्या हो गए पेयर्ड हो गए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए सब, तो ये क्या हो जाएगा भाई डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक होते ही क्या हो जाएगा एस आर इनएक्टिव, एस आर इनएक्टिव होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर अपना कोबाल्ट टू पॉजिटिव में है तो सिंगल रिड्यूस है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों यहां पर हो गया कोबाल्ट, कोबाल्ट कितने में डी सेवन में, डी सेवन में हुआ तो भाई फिर से टी टू जी ई जी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या अनपेड आ रहा है, तो यहां पर इसको क्या बोल देंगे भाई पैरामैग्नेटिक, क्या हो गया पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होते ही है क्या हो जाएगा ईएसआर, ईएसआर एक्टिव, क्या हो गया ईएसआर एक्टिव हो गया, डन है। यहां पर ये भी क्या हो जाएगा भाई वन के अंदर, वन के अंदर यानी कि ये कौन सा केस है डी सेवन फोर एस, फोर एस वन, अगर इसका आप क्या कराओगे पेयरिंग यानी चेंज होगा सिस्टम थ्री डी एट के अंदर, क्यों, क्योंकि अपने को एस खाली चाहिए किसके लिए भाई अपने को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा थ्री डी एट, थ्री डी एट होते ही अपने पास क्या हो जाएगा भाई टी टू जी जी, तो वन टू थ्री फोर, इसके अंदर तो क्या ही लो क्या ही हाई स्पिन, क्योंकि ये तो क्या हो चुका डी एट हो चुका, तो इसके अंदर लो हाई स्पिन की बात, अगर किसी कोई बोलता लो स्पिन तो वो भी गलत, हाई स्पिन बोलेगा तो भी गलत, क्योंकि डी फोर से डी सेवन ही क्या होता है दोस्तों लो स्पिन होता है या हाई स्पिन बोलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बोलो। अगर मैं आपसे बोलूं अगर ये तो मैंने इस तरीके से भरे लो स्पिन की तरह, अगर मैं हाई स्पिन भर लूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बोलो, तो कोई फर्क आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, तो यहां पर लो हाई की बात करेंगे ही नहीं, तो थ्री डी एट सिस्टम इस तरीके से हो गया, तो ये भी क्या हो गया दोस्तों पैरामैग्नेटिक, ये भी क्या हो गया पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक होते ही ये क्या हो जाएगा ईएसआर एक्टिव, क्या हो गया ईएसआर एक्टिव हो गया बताइए, और इसका कलर देखा गया, इसका जो कलर आता है वो कैसा आता है रेड कलर आता है, इसका कौन सा कलर आता है दोस्तों ब्राउन, या आप बोल सकते हो ब्राउनिश कलर, और इसका कलर कौन सा आता है दोस्तों ग्रीनिश, ठीक है, इसका कलर कैसा आता है ग्रीनिश कलर, कलर कैसे आता है कलर स्पेक्ट्रम की बात हम कोऑर्डिनेशन में करेंगे, तो यहां से इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों आपके, बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं इसके फंक्शंस की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बायो केमिकल जो रिएक्शन हो रही होगी इसकी फंक्शंस क्या क्या रहेंगे, तो दोस्तों फर्स्ट एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन, फर्स्ट कहां पर यूज होता है दोस्तों ऑक्सीडेटिव डेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन के अंदर अगर आप बोलते हो कि यहां पर अपने पास ना B12 है, क्या है B12, और क्या भाई B12 कॉपर वाला कोबाल्ट कितने में है भाई वन में है, कोबाल्ट किसमें है वन में, तो यहां पर आपने बोल दिया कि अगर मेरे पास मैंने क्या दे दिया इसको RX, क्या दे दिया RX, तो क्या होगा अब सीधा जो वन है वो तो किसमें चला जाएगा थ्री के अंदर विटामिन B12, और ये किसके अंदर चला गया थ्री पॉजिटिव के अंदर, और यहाँ पर R आ गया, और R आते ही यहाँ पर क्या जाएगा भाई
यहां पर अब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स नेगेटिव, डन है। तो बताइए यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव एडिशन वो रिएक्शन होती है जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस बाय टू और आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी इंक्रीज कितने से होगी, बाय टू से। तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन करने के काम में आती है। तो दूसरा यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1-2 कार्बन शिफ्ट। अगर मैं आपसे बोलूं कि अपने पास दो कार्बन स्पीसीज थी इस तरीके से, और एक के पास एच है और इसके पास क्या है एक्स है, और ये मान लीजिए कार्बन अपना कौन सा है, कार्बन C14 है। क्या है C14। तो अगर आपने ये लिया हुआ है यहां पर, क्या भाई इसका फंक्शन देख रहे हैं विटामिन B12 का, तो यहां पर क्या हो जाता है 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है, कैसे कार्बन शिफ्ट। अगर ये कार्बन इधर आ जाए और ये कार्बन इधर चला जाए तो यहां पर क्या होगा देखें, तो ये इस तरीके से चेंजमेंट आता है कि कार्बन 14 पे अब क्या जुड़ा हुआ है, एक्स जुड़ा हुआ था, तो अब क्या जुड़ जाएगा भाई कार्बन 14 के ऊपर एच जुड़ जाएगा, और यहां पर इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा सिंपल के ऊपर यहां पर एक्स जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही, तो 1-2 कार्बन शिफ्ट के भी काम में आता है ये। नंबर थर्ड डाले ग्रुप ट्रांसफर, क्या भाई ग्रुप ट्रांसफर अगर आपको करना हो सिंपल, अगर आपके पास क्या हो ग्लाइसिन बोले तो CH और यहां पर क्या हो गया NH2, यहां पर क्या है COOH, ठीक है, और यहां पर मैं बोल दूं कि मेरे पास क्या है भाई H है। अगर आपने बोल दिया CH2OH है और आपका CH2OH कहां जुड़ जाएगा भाई यहां पर, तो देखें क्या जुड़ जाएगा COOH, देन यहां पर क्या है C, यहां पर क्या हो गया CH2OH हो गया, देन H और यहां पर NH2। तो इस तरीके से भी काम में आता है, ठीक है। नंबर चार नेक्स्ट लिखेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास CH2OH और CH2OH है, ठीक है, अगर आपको चेंज करना हो CHO में तब भी आप इसका यूज यहां पर कर पाएंगे। ये अपना चार नंबर हो गया दोस्तों। तो इस अगर इसके अंदर CH2OH को भी आप CHO के अंदर ट्रांसफर कर पाएंगे। नंबर फिफ्थ एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, क्या भाई अगर मान लीजिए आपके पास RNA है, क्या है RNA, उसको कन्वर्ट किसमें कर देगा ये DNA में, किसमें कन्वर्ट कर देगा DNA में, क्यों, क्योंकि यहां पर जो OH ग्रुप रहेगा उसको ये सीधा किस में कन्वर्ट कर देगा भाई H में। तो इस कन्वर्जन में भी क्या भाई OH से जब आपको H चाहिए होता है तब भी काम में कौन लाया जाता है भाई आपका एंजाइम यानी कि B12, ठीक है, तब भी OH आपका H के कन्वर्जन में लाया जाएगा, तब भी यूज किसका होगा भाई आपका B12 का। तो अगर आप और सिंपल चीज देखें कि RCH यहां पर क्या हो गया OHH H, अगर आपको किस में कन्वर्ट करना हो ये L, ये क्या है आपका अल्कोहल है, और अल्कोहलों को किस में कन्वर्ट करना हो एल्केन के अंदर, तब भी काम में यही लाया जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि OH से क्या बना रहा है H, तो OH से H बनाने के काम में भी लाया जाता है। तो इतना ही था भाई ये विटामिन B12। आगे हम चर्चाएं करेंगे किस पर भाई, आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।